आम आदमी पार्टी के जो एक पार्षद है ताहिर हुसैन, उमर खालिद, ये लोगों ने मिलकर दिल्ली दंगे को प्लान किया, जिसके बाद दिल्ली को जलाया गया। देखिए मुसलमान नाम का कितना असर होता है। उमर खालिद ने केवल भाषण के दौरान लोगों को सड़क पर आने कर और अपनी ताकत दिखाने की बात कही, लेकिन उसके ठीक उलट प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी जैसे लोगों ने खुलेआम गोली चलाने, दंगे कराने की बात करी, लेकिन उनका आज तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। लेकिन सबसे जो गंभीर विषय है वो ये है कि एक ही कृत्य में दो नाम, एक जिसमें हिंदू नाम है और एक मुसलमान नाम है। हिंदू नाम इस समय आराम से अपनी राजनीतिक जीवन जी रहा है, लेकिन एक मुस्लिम नाम का इंसान लगातार षड्यंत्र का शिकार होकर जेल में कैद है। लेकिन जब भी मैं इनके पिताजी से मिलता हूँ, डॉक्टर इलियास से मेरी मुलाकात होती है, एक गर्व का विषय उनके लिए होता है। उन्हें कहीं पर भी ये थोड़ा सा भी गम नहीं है कि उनका लड़का जेल में है, बल्कि मैंने उनके अंदर वो गर्व देखा है हमेशा से कि वो उन्हें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा बेटा कोई क्राइम करके, चोरी करके, छीना छपती करके, बलात्कार करके जेल में नहीं है, देश में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर वो बंदा जेल में है। इसका एक गर्व इनके पिताजी को हमेशा से होता है, तथा अभी तक पुलिस कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाई है। शायद यही कारण है कि लगातार उमर खालिद के ऊपर लगे सारे आरोप कोर्ट में निराधार साबित हो रहे हैं और धीरे धीरे वो सारे मामलों से बरी होते जा रहे हैं। हो सकता है आप ये वीडियो आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि जो उमर खालिद का इतिहास है वो बहुत छोटा नहीं है। एक क्रांतिकारी परिवार से आया ये लड़का आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आगामी भविष्य में भारत का वो चेहरा बनेगा। लेकिन यह हकीकत देश के हर मोबाइल तक पहुंचना ज़रूरी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज बात करेंगे भारत के सबसे विवादित इंसान की, खास तौर पर उस युवा की जिसने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजा रखा है। वो भले इस समय जेल में है, लेकिन उसकी चर्चा हमेशा समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बड़े दबंगई के साथ होती है। कुछ लोगों को ये इंसान देश का गद्दार नज़र आता है, देशद्रोही नज़र आता है, लेकिन भारत में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस इंसान को क्रांतिकारी के रूप में देखता है तथा केवल मुसलमान होने के नाते उसके ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है ऐसा महसूस करता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तथ्यों के साथ बात करूँगा, विश्लेषण करूँगा इस विवादित युवा का, ताकि आप लोगों तक हकीकत पहुँच सके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के अंत तक पहुंचते आपको महसूस होने लगेगा कि इस इंसान के लिए आपने जो धारणाएं बनाई हैं वो गलत हो सकती हैं। 1975, ये वो साल था जब इंदिरा गांधी जी अपने सरकार के खिलाफ खड़े हर एक इंसान को जेल में ठूस देती हैं। महाराष्ट्र इसमें कहाँ पीछे रहने वाला है। अमरावती जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है, उसके अंदर एक छोटा सा तालुका है तलेगाँव। ये वो भूमि थी जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार को, मुखिया को, जेल में ठूस दिया जाता है। देश में एक बड़े क्रांति परिवार की शुरुआत यहाँ से होती है। 1975 के इमरजेंसी के जेल यात्रा के बाद इस परिवार ने सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने परिवार को शिक्षित करना और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर विरोध करना इस परिवार के खून में जैसे शामिल हो चुका था। यही कारण था इस परिवार का एक लड़का नागपुर विश्वविद्यालय से 1983 में PhD करता है और उसके बाद सीधा दिल्ली की, जो भारत की राजधानी है, उसका रुख करता है, क्योंकि उन्हें पता है अमरावती एक छोटा सा जिला होने के कारण वो अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो विचार है, वो पूरे भारत तक नहीं पहुंचा सकता। यही कारण था कि 1983 के PhD होने के बाद वो इंसान, वो परिवार अमरावती छोड़कर दिल्ली के जामिया नगर आ जाता है। जामिया नगर में अपने सामाजिक प्रतिकाओं को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से समाज में हो रही गलत गतिविधियों का वो खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि 11 अगस्त 1987 को उनके घर जो लड़का पैदा हो रहा है वो इस भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 1983 में डॉक्टरेट की डिग्री लेकर दिल्ली आए, जामिया नगर में बसे, पले और आगे की अपनी सारी कार्रवाई करने वाले डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास का, जिन्हें आप डॉक्टर इलियास के नाम से जानते हैं। बहुत छोटे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये पिता हैं उमर खालिद के। जी, ये वही उमर खालिद क्रांतिकारी युवा के पिता हैं जो खुद अपने आप में भी एक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि रखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर इलियास जो जामिया नगर में अपने शुरुआती दौर से आज तक हमेशा संघर्ष की ज़िंदगी जी है। यही कारण है कि वो बाबरी कृति समिति के सदस्य रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वो सदस्य रहे, इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। 11 अगस्त 1987 को डॉक्टर इलियास के घर पैदा हुआ एक लड़का जो आज चर्चा का विषय है।
लेकिन ये विवाद और चर्चा क्यों है उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनका परिवार बड़ा ही उच्च शिक्षित रहा है। डॉक्टर इतिहास खुद केमिस्ट्री से 1983 से नागपुर में PhD करे हैं। शुरुआत में ही शिक्षा का कितना महत्व है डॉक्टर इलियास ने समझ लिया था। यही कारण था कि उमर खालिद को भी अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया। JNU जो सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है PhD के लिए, वहाँ पर उमर खालिद का एडमिशन होता है। लेकिन कहते हैं ना, क्रांतिकारी खून कभी भी ठंडा नहीं होता, हमेशा उबाल मारता है। यही कारण था कि आपको एक घटना हमेशा से आपके दिमागों में कैद हो गई। वो दिन था 9 फरवरी 2016 का। जी, वो काला दिन जिसे भारत के इतिहास कभी भूल नहीं सकता। 9 फरवरी 2016 को JNU के कैंपस में नारे लगाए गए, जिसमें भारत के टुकड़े, कश्मीर की आज़ादी और अफजल गुरु जिसने संसद भवन पर हमला किया उसके फांसी को लेकर शर्मिंदगी महसूस की गई। ये वो काला दिन था जिसे हर भारतीय बहुत शर्मिंदगी से देखता है। लेकिन इस नारे के बाद एक विवाद का जन्म हुआ। 4 दिन बाद वहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस कुछ लोगों में एक बड़ा नाम था JNU के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद उमर खालिद जो वहाँ पर PhD की पढ़ाई कर रहे थे, वो और उनके साथ एक भट्टाचार्य नाम का स्टूडेंट अंडरग्राउंड हो जाता है। लगातार 10 दिनों की पुलिस खोज के बाद उमर खालिद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से सबूतों और गवाहों के अभाव में इन सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक जो काला धब्बा इनके शरीर पर मीडिया ट्रायल के बाद चलाया गया, वो आज तक नहीं मिट पाया है। चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे उमर खालिद हो, मीडिया ने उनको एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया, लेकिन कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ये सारे चीज़ें साबित नहीं कर पाई। शायद यही कारण था कि बहुत जल्द ये दोनों जेल से बाहर आए, लेकिन इनके ऊपर लगे धब्बों की वजह से इनकी मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही थी। जुलाई 2018 में कन्हैया कुमार के ऊपर विश्वविद्यालय JNU की तरफ से 10,000 रुपये का फाइन लगाया जाता है, लेकिन उमर खालिद और भट्टाचार्य को एक सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट किया जाता है। ये वो दौर था जब PhD के जो थीसेस थे वो उमर खालिद के जमा होने थे। उमर खालिद का जो PhD थीसेस था वो विश्वविद्यालय ने लेने से मना कर दिया। उमर खालिद एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात रखने के बाद फैसला इनके पक्ष में आया और 2 अगस्त 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU विश्वविद्यालय को आदेशित किया कि जो PhD का जो थीसेस उमर खालिद ने बनाया है उसे आपको जमा करना होगा, लेना होगा। ये वो लड़ाई थी जहाँ से उमर खालिद का कद और उनकी जो लड़ने की जो जज्बा है वो दिखता था। लेकिन अब उमर खालिद का जो नाम था वो पूरे भारत में हो चुका था। उमर खालिद अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था। यही कारण था कि पुणे में एल्गार परिषद, जो कि हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के तौर पर मनाती है, उस शौर्य दिवस जिसे आप भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं, 1 जनवरी 1818 का वो दिन जब महार जाति के, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, संबंधित हैं, महार जाति के लोग पेशवाओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आप अपनी सेना में शामिल कर लीजिए, हम भी आपके साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं। लेकिन पेशवाओं ने उन्हें छोटी जाति और छुआछूत का बहाना कर उन्हें अपनी सेना में शामिल नहीं किया। उसके बाद ये महार जाति अंग्रेज़ों के पास जाती है और अंग्रेज उन्हें ससम्मान अपनी सेना में शामिल करते हैं। 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव में, जो कि पुणे में एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पर पेशवाओं और अंग्रेज़ों का युद्ध होता है। 500 महार जाति के जो टुकड़ी के जो सेना है वो 25,000 पेशवाओं सेना को ऊपर भारी पड़ती है और उन्हें वहाँ से खदेड़ देती है। ये जो महारों का, जो दलितों का शौर्य दिवस था, उसको हर साल एल्गार परिषद पुणे में कोरेगांव में आयोजित करती है। इस आयोजन में जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद को बुलाया गया। पुणे में एक FIR दर्ज की जाती है कि उमर खालिद और जिग्नेश मेवानी ने इस भीमा कोरेगांव के 200वीं वर्षगांठ पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद इनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई और वहाँ पर दंगे के हालात बने। ये विवाद केवल यही नहीं थमा, इसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में डाला गया, UAPA लगाया गया, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकर उन्हें आज भी जेलों में रखा गया है। उसमें से कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी भीमा कोरेगांव के उस दंगे के बाद वो जेल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उमर खालिद और विवाद का नाता केवल भीमा कोरेगांव तक ही नहीं रुकता। 14 सितंबर 2020 को
दिल्ली की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर ये आरोप था कि दिल्ली में हुए जो दंगे थे वो उन्होंने कराए, ये पूरी तरह से प्री प्लान थे। जब डोनाल्ड ट्रंप जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक भारत का दौरा होना था, लेकिन उस दौरे से कुछ दिन पहले CNRC के एक मंच पर उमर खालिद ने लोगों को भड़काया कि आप सड़कों पर उतरिए और दिखा दीजिए कि भारत कितना मजबूत है, यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। इस बयान को मुख्य तथ्य बनाकर दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर UAPA के चार्जेस लगाए, दंगों के आरोप लगाए। न केवल दंगों के आरोप लगाए, उनके हिसाब से ये पूरा जो दंगा था ये प्री प्लान किया गया था। आम आदमी पार्टी के जो एक पार्षद है ताहिर हुसैन, उमर खालिद, ये लोगों ने मिलकर दिल्ली दंगे को प्लान किया, जिसके बाद दिल्ली को जलाया गया। देखिए मुसलमान नाम का कितना असर होता है। उमर खालिद ने केवल भाषण के दौरान लोगों को सड़क पर आने कर और अपनी ताकत दिखाने की बात कही, लेकिन उसके ठीक उलट प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी जैसे लोगों ने खुलेआम गोली चलाने, दंगे कराने की बात करी, लेकिन उनका आज तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। एक जज साहब दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने हिम्मत कर इस पर जाँच बिठाने का कोशिश किया तो उनका रातों रात तबादला कर दिया गया चंडीगढ़ और हरियाणा हाईकोर्ट में। ये सिलसिला उस समय होता है जब नाम मैटर करता है। दिल्ली दंगों में बंद उमर खालिद के ऊपर कितना प्रेशर है, प्रशासन के ऊपर कितना प्रेशर है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज 2022 तक किसी भी मामलों में पुख्ता कोई सबूत वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। हालात ये हैं कि जब जज साहब ने उनसे पूछा कि दिल्ली में जो धमाके हुए हैं या दंगे हुए हैं उसकी जानकारी आपको कैसे पता चली, तो पुलिस ने एक रिक्वेस्ट वहाँ पे दी कि हमें इसकी जानकारी BJP के जो IT सेल हैं अमित मालवीय, उनके वीडियो से पता चली, और ये वीडियो डॉक्टेड है कि ओरिजिनल है, इसकी कोई भी सत्यता अभी तक पुलिस कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाई है। शायद यही कारण है कि लगातार उमर खालिद के ऊपर लगे सारे आरोप कोर्ट में निराधार साबित हो रहे हैं और धीरे धीरे वो सारे मामलों से बरी होते जा रहे हैं। एक ताज़ा अभी जो मामला जिसमें वो बरी हुए हैं, खजूरी खास का एक केस 101/2020, जिसमें उनके ऊपर पत्थरबाजी के आरोप थे, उसमें अभी रिसेंटली कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। हालात ये हैं, सरकार के ऊपर दबाव इतना है कि उमर खालिद का जितना भी जो बेल एप्लीकेशन है, जमानत याचिकाएं हैं, उसे रद्द की जा रही हैं। अगर इनके सिलसिले पे आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि बिना आधार के, बिना सबूत और बिना तथ्यों के आरोप में गिरफ्तार किया हुआ एक युवा आज किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप बेल की एप्लीकेशन देखें तो पहली बेल एप्लीकेशन गई थी July 2021 में, जिसे दिल्ली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद March 2022, 18 अक्टूबर 2022, 3 दिसंबर 2022, ये वो बेल एप्लीकेशन है, जमानत याचिकाएं हैं, जहां पर उमर खालिद को बिना कोई तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया गया। केवल दिल्ली पुलिस को ये शंका थी कि दिल्ली के जो दंगे हैं इन्होंने कराए, जिसके एवज में आज तक दिल्ली पुलिस और बाकी जो जाँच एजेंसियाँ हैं कोई भी पुख्ता सबूत, तथ्य और गवाह हाजिर नहीं कर पाई हैं। अब जाकर कहीं उमर खालिद को 7 दिन के लिए उनकी बहन की शादी में शरीक होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है, जो 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लागू होगी। 23 दिसंबर 2022 को उमर खालिद जेल से बाहर आएंगे, अपनी बहन की शादी को अटेंड करेंगे और 30 दिसंबर को उनको वापस सरेंडर करके इस जेल में, तिहाड़ जेल में वापस जाना है। लेकिन सबसे जो गंभीर विषय है वो ये है कि एक ही कृत्य में दो नाम, एक जिसमें हिंदू नाम है और एक मुसलमान नाम है। हिंदू नाम इस समय आराम से अपनी राजनीतिक जीवन जी रहा है, लेकिन एक मुस्लिम नाम का इंसान लगातार षड्यंत्र का शिकार होकर जेल में कैद है। लेकिन जब भी मैं इनके पिताजी से मिलता हूँ, डॉक्टर इलियास से मेरी मुलाकात होती है, एक गर्व का विषय उनके लिए होता है। उन्हें कहीं पर भी ये थोड़ा सा भी गम नहीं है कि उनका लड़का जेल में है, बल्कि मैंने उनके अंदर वो गर्व देखा है हमेशा से, कि वो उन्हें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा बेटा कोई क्राइम करके, चोरी करके, छीना छपती करके, बलात्कार करके जेल में नहीं है, देश में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर वो बंदा जेल में है। इसका एक गर्व इनके पिताजी को हमेशा से होता है। इनकी माता से भी जब मुलाकात होती है तो उनके अंदर भी ये गर्व की भावना मैं देखता हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं इनके परिवार से मुलाकात करता हूँ तो एक बहुत ही, मुझे भी आंतरिक तौर पर एक गर्व महसूस होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि एक पिता जो बुज़ुर्ग हो चुका है, उसका जो जवान लड़का इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, जिसमें कोर्ट के अंदर कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा, हर जमानत याचिका खारिज हो जाती है, हर तारीख पर इनको निराशा मिलती है, हर प्रशासनिक अधिकारी इनके साथ बदतमीजी करता है, प्रशासन और सरकार इनको हमेशा से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उस दौरान में भी ये इंसान जो उमर खालिद के पिताजी हैं मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और इनके अंदर वो जो गर्व का भावना है वो रत्ती भर भी कम नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इनके जज्बे को देखकर हम जैसे लोग सीखते हैं
कि विपरीत परिस्थितियों में भी संविधान को विश्वास मानकर आगे बढ़ना और समय का इंतज़ार करना, सब्र करना और जो भी हो रहा है उसके ऊपर ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करकर उसके लिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं जो जज्बा है केवल उमर खालिद के परिवार के अंदर ही दिख सकता है, क्योंकि क्रांतिकारी का खून 1975 से 2022 तक चला आ रहा है। यहाँ पर निराशा हताशा तो आप समझ ही नहीं सकते। उमर खालिद का जो जीवन जेल में बीता है वो भी बहुत हंसता मुस्कुराता बीता है। जब भी उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा विरोधियों की छाती पर सांप लुटा देता है। लेकिन केवल यही बात नहीं है, एक पढ़ने वाला लड़का जिसने PhD किया हुआ है वो जेल के अंदर भी किताबें पढ़ रहा है। इनके पिताजी से जब लास्ट बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब तक करीबन 80 से 90 किताबें उमर खालिद जेल में पढ़ चुका है, जो भारत के सामाजिक संरूपता को लेकर, भारत के संविधान को लेकर अलग अलग टॉपिकों पर ये किताबें उन्होंने जेल के अंदर मंगा कर पढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान देशद्रोही या देश के साथ गद्दारी कर सकता है, इसकी संभावनाएँ लगभग न के बराबर, ये संभावनाएँ न के बराबर इसलिए भी मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस UAPA और बाकी दंगों के आरोप में उमर खालिद को आज तिहाड़ जेल में रखा है वो खुद इस आरोपों को साबित करने में नाकाम होती दिख रही है। आज तक जितने भी मामले उमर खालिद के ऊपर लादे गए या जबरदस्ती बनाए गए उन तमाम मामलों में धीरे धीरे आरोप न साबित होने पर वो जेल से बाइज्जत बरी होते रहे, लेकिन केवल प्रशासनिक तौर पर ऊपरी दबाव की वजह से, एक हट की वजह से आज भी उमर खालिद जेल में है और मुस्कुराता हुआ है। कहीं ना कहीं ये मुस्कुराहट हम तमाम लोगों को प्रेरणा दे जाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते रहिए, कहीं ना कहीं संविधान आपके लिए खड़ा है। जिन लोगों को भी संविधान पर विश्वास होता है उनके चेहरे पर उमर खालिद के जैसे ही विश्वास होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है आप ये वीडियो आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जो उमर खालिद का इतिहास है वो बहुत छोटा नहीं है। एक क्रांतिकारी परिवार से आया ये लड़का आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आगामी भविष्य में भारत का वो चेहरा बनेगा। लेकिन यह हकीकत देश के हर मोबाइल तक पहुँचना ज़रूरी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी। मैं इस तरह से लगातार अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर किसी अन्य विश्लेषण के माध्यम से देश की वो सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसे आपका रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम मिलकर ही देश के नए भविष्य को बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।